ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज किस वीडियो में जानेंगे कि दूल्हे के सिर के ऊपर सहरा क्यों बांधा जाता है, क्योंकि फारसी भाषा में इसको सहरा कहते हैं, हिंदी में मुकुट कहते हैं और संस्कृत में इसे किरीट कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जानकारी हम लें, आखिर क्यों दूल्हे के सिर पर सहरा क्यों बांधा जाता है। तो इस सहरे से कथा जुड़ी हुई है, जिसे सुनकर ही आप जान सकेंगे कि दूल्हे के सिर पर सहरा इतना क्यों जरूरी है। तो मैं इस कहानी को संक्षेप में कहूँगी कि सात बहनों के बीच में एक भाई था, और जब भाई दूज आया तो वह भाई अपनी सब बहनों की घर गया और सबसे बाद में अपनी छोटी बहन के यहाँ गया। तब शाम भी हो गई थी, तब बहन ने भाई को रोक लिया और जाने नहीं दिया, और सुबह होते ही भाई के लिए लड्डू बनाकर फिर भाई को जाने दिया। तभी रास्ते में सरोवर के पास उस बहन के भाई को भूख लगी। उसने सोचा लाओ लड्डू को खाकर अपनी भूख शांत कर लेते हैं। इधर उसकी बहन के पास कुछ लड्डू बचे थे, उसने सोचा लाओ इन लड्डुओं को कुत्ते को दे दिया जाए। जैसे ही उसने लड्डुओं को कुत्तों को दिया तो लड्डू कुत्ता खाकर मर गया, क्योंकि उसमें जहर था। तब वो घबरा कर दौड़कर चक्की को उठाकर देखा तो उसमें आटे के साथ साथ सांप पिस गया था। फिर वो घबरा कर दौड़कर अपने भाई के पास वहाँ पहुंच गई, जहां पर रास्ते में उसका भाई लड्डू खाने जा ही रहा था कि उसने वहां पहुंचकर उन लड्डुओं को अपने भाई के हाथ से फेंक दिया, और जो घर से खाने के लिए कुछ और लेकर गई थी उसको भाई को खाने के लिए दे दिया। उसके बाद भाई के लिए पास के सरोवर से पानी लाने गई, तब उसने देखा कि सरोवर के पास एक बुढ़िया माता बैठी थी और कुछ लिख रही थी। तब उस बहन ने उस बूढ़ी माता से पूछा कि आप क्या लिख रही हैं। तब उन बूढ़ी माता ने कहा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में ही लिख रही हूँ। तुम्हारा भाई जब दूल्हा बनकर अपने ससुराल जाएगा तो दरवाजे से सिर टकराकर उसकी मौत हो जाएगी। इतना सुनकर फिर वो बहन भाई को पानी दिया और कहा, भाई मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी बल्कि आपके साथ पीहर चलूंगी, क्योंकि उस भाई की कुछ ही दिन में शादी थी। फिर वो बहन अपने पीहर में पहुंचकर एक संत थे, उनसे सारी बात बताई। फिर उन संत ने कहा कि बेटी, जब तुम्हारा भाई अपने ससुराल बारात लेकर जाएगा और तब दरवाजे के पास पूजा यदि कर दी जाए और फिर उसके ऊपर मुकुट रख दिया जाए तो वो मुकुट उस दूल्हे की रक्षा करेगा, क्योंकि जब भगवान शंकर ने देवताओं का आवाहन किया था तब भगवान शंकर ने पांच देवताओं को मुकुट में विराजमान होने का आदेश दिया। उसमें भगवान गणपति हैं, माँ भगवती, स्वयं जगदम्मा हैं, भगवान शिव नारायण हैं और स्वयं नारायण हैं और स्वयं महादेव विराजमान हैं। सुन बेटी, ये पांचों के पांचों देवता तेरे भाई के और संसार की हर बहन के भाई की रक्षा करते हैं, जो अपने भाई के सिर पर सहरा रखते हैं। और इन सब बातों के साथ साथ एक बात और याद रखना कि जब दूल्हे के ऊपर जब भी आप सहरा बांधते हो तो उसके ऊपर कलंगी का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कलंगी स्वयं माँ जगदम्मा है। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव।